जैसे कि आपको वैसे मेरी तैयारी से पता ही चल रहा होगा कि मैं कुछ बनाने लगी हूँ। तो मैं एक डिज़र्ट बना रही हूँ, उसका नाम है डेलगोना डिज़र्ट। तो चलिए अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने पहले लेनी है आइस, ठीक है, और उसमें ऐसे हम बाउल रखते हैं, इस तरीके से। चलिए थोड़े लोग ज्वाइन कर लें, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। डिज़र्ट, ये डिज़र्ट बनाने के लिए हमने लेनी है ऑलपर्स की डेरी क्रीम। तो मैंने ये लिया है एक पैक, ये वाला पूरा एक पैक ले लिया है। तो ये 200 ml है। फिर इसको हम बीट कर लेंगे। तो अब इसमें मैंने डालना है कंडेंस मिल्क, मैं कोमल का यूज कर रही हूँ। ओ तो ये मैंने हसीब हसीब जावेद कह रहे, ओ भाई वहां से बिल्ली मुंह मार रही है, उसको तो हटा दो, इसको बोलो इसको कोई प्रॉब्लम। 1 2 3। अलीजा मुझे टिश्यू ला कर देना, टिश्यू ला कर देना। हाँ टिश्यू टिश्यू। मैंने इसमें डालने हैं 3 tablespoon कंडेंस मिल्क के, क्योंकि आगे मैंने शुगर भी डालनी है तो ये ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा। ये देखो मेरा हाथ सारा गंदा हो गया। क्यों हसीब जावेद, आपको कोई मसला है कि मैं अपनी बिल्ली को यहाँ से हटा दूँ? और वैसे वो बिल्ली नहीं है, वो बिल्ला है, तो इससे आपको क्या मसला है? सॉरी सॉरी, इसको बीट नहीं करना था, सिर्फ मिक्स करना है। मतलब यही खाओगी? क्या बन रहा है एमएम राइटर्स, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? डेजर्ट बन रहा है, डेलगोना डेजर्ट बना रही हूँ मैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। अभी देखिएगा एंड में आप कितना मज़े का बनता है। हेलो अंजार, कैसी हो? हसीब जावेद, नहीं तो फिर एक काम करो, उस बिल्ले को इस बाउल में बिठा लो, अच्छा टेस्ट आएगा। जी थैंक यू आपके मशवरे का। क्या बन रहा है? इट्स हैमी। क्या बन रहा है आज शेफ जी? आज डिज़र्ट बना रही हूँ मैं, डेलगोना डिज़र्ट बना रही हूँ, तो देखें कैसा बनता है। उम्मीद तो मुझे अच्छी है कि अच्छा बनेगा। तो ये मेरी क्रीम तो बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है, अब हम इसको कर लेते हैं साइड पर। ठीक है अलीज़ा, ऐसे करो ये जल्दी से पानी गर्म कर लो, तो मैं तब तक थोड़े कॉमेंट्स पढ़ लूँ। वेट फॉर भेज देना फिर एमएम के। मैंने भेजना नहीं है, आप एमएम के आप बनाइएगा, बहुत ही इजी है ये, बहुत जल्दी बन जाएगा, इसके लिए किचन में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखें
जहाँ मैंने होना इसने वहीं होना है। मुझे भी, और मीठा तो इसको वैसे ही बहुत पसंद है। मुझे भी फूड पांडा करवा देना बगैर बिल्ले वाला। तो इसको मीठा बहुत पसंद है, जहाँ पर मीठा हो तो वहाँ पर तो मेरा बिल्ला लाजमी होता है। वैसे तो इसका नाम ओलिवर है, पर उससे तो ये सुनता नहीं है। मैं शुरू से उसको मिन्नू मिन्नू बुलाती हूँ, तो अब ये मिन्नू मिन्नू है मेरा। अच्छा, हाँ ले आओ बस। तो चले अब हम अपना करते हैं दूसरा स्टेप। अब हमने एक और चीज़ बनानी है, ये भी बीट हो गया और बहुत टाइम मेरे ख्याल से तो नहीं लगना चाहिए इसमें। जानवर रहते हैं साल क्या, मेरे लिए तो नहीं जानवर, आपके लिए होगा ये जानवर। अच्छा मैं ये कॉफ़ी ले रही हूँ, इसके मैंने 2 टेबलस्पून कॉफ़ी लेनी है। और थोड़ी सी मेरे से डली है, ओप्स। तो ये हो गई 2 टेबलस्पून कॉफ़ी मैंने ले ली है। फिर मैंने इसमें, अच्छा इसमें आपने ना 2 टेबलस्पून कॉफ़ी लेनी है, 2 टेबलस्पून ही शुगर लेनी है, और 2 टेबलस्पून ही ना हॉट वाटर लेना है। अगर कॉफ़ी 3 लें तो फिर शुगर भी आप 3 टेबलस्पून ले लीजिएगा। और थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है क्योंकि मेरा पानी ना सही डल नहीं रहा था, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया। चलें अब इसको बीट करें, अब फिर से शोर होगा। अब ये जो मैंने क्रीम और कंडेंस मिल्क को बीट किया था ना, तो अब इसको थोड़ा सा इसका मिक्सचर ना हम इसमें डाल देंगे। हाय इतना जानू, कैसी हो तुम? अरीजा देना वो अरीजा। अच्छा तुम्हारी, मैंने अरीजा जानू को हेल्पर बनाया हुआ है अपनी। आप क्या हर रोज यही करते हैं, सबकी लाइफ पे जाते हैं और जाके इसी तरह कमेंट्स करते हैं? रिलेट इसको जवाब नहीं दो प्लीज, नहीं दो, छोड़ो इसको, इग्नोर हिम। यू आर सो फ्री ना, ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया इसका। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, वैसे मुझे देखने में बड़े मजे का ना इसका कलर लग रहा है। तो अब हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, तो अब मैं और अलीज़ा ना अपना अपना क्लास रेडी करेंगे। तो अलीज़ा आ जाओ, अलीज़ा आ जाओ। रमशन हमने से वो OMG ब्लॉग का वो मिस कर दिया कमेंट। कहाँ आया मैंने OMG ब्लॉग का, मेरे पास आया नहीं है। कब से कर रही हूँ, क्या है तुम बता दो। मेरा मैसेज मैसेज वो कह रही है इग्नोर कर रही है, बोलो मेरे पास शो नहीं हो रहा है। OMG ब्लॉग्स
मुझे आपका ना वो शो नहीं हो रहा, कमेंट्स शो नहीं हो रहे, मुझे आपके कमेंट्स नहीं शो हो रहे, आई डोंट नो व्हाई। तो अलीजा ये लो, अलीजा ये दोनों गिलास ले आओ, फिर हम बनाते हैं। तुम अपना बनाना, मैं अपना बनाऊंगी, ठीक है? ओके। जल्दी आ जाना फिर बनाए, इतनी लंबी लाइव हो गई है, फिर लाइव भी एंड करनी है। मुझे क्यों नहीं है OMG ब्लॉग अभी भी कर रहे हैं वाले, क्या कर रही है? मुझे अपना मोबाइल देना, मैं तुम्हारे मोबाइल से पढ़ूं। सॉरी मुझे आपके कमेंट्स ही नहीं शो हो रहे थे। हेबा आपके पास ऊपर आएंगे ऊपर वाले? नहीं वो चले गए, बंद कर। हेलो OMG ब्लॉग्स, कैसी हैं आप? तो हेलो सना, आपका भी नहीं हुआ और लाइव का भी नहीं हुआ, लाइव का हुआ है बाकी सना और माया के नहीं हो रहे। पता नहीं मुझे क्यों नहीं शो हो रहे आप दोनों के कमेंट्स। रमशा यू आर मुझे भी अपशो लव, थैंक यू। हाँ इकरा आ जाओ ना, तुम्हें तो मैंने कहा है आ जाओ, मैं तो इतनी बोर हो गई हूँ ना कसम से, आती नहीं हो। कराची आओ, तुम्हारे साथ भी एक लाइव करूँगी मज़ेदार सी। बस मान लो, अच्छा तो अब ये मेरा ग्लास है, ये अलीजा का है। अब मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, अलीजा अपने तरीके से, फिर हम बताएंगे हम दोनों किसका ज़्यादा अच्छा लगता है। आ जाओ थैंक यू, थैंक यू सना। मैं मायरा डिज़र्ट बना रही हूँ, दैलगोना डिज़र्ट बना रही हूँ, डलगोना कॉफ़ी क्रीमी डिज़र्ट बना रही हूँ। देखो कैसा बनता है। अब मैं और अलीजा अपना क्लास वो करने लगे, रेडी? देखो किसका अच्छा बनता है। तो ये मैं ले रही हूँ कैरमलाइज बिस्किट ले रही हूँ। तो दे रही हूँ अभी तुम्हें, थोड़ी इधर आओ ना, तुम्हारा ग्लास तो पता चले किसी को। ये मेरा ग्लास है, अकेली अकेली थोड़ी बनाना है। अभी मैंने इसमें ये कैरमलाइज बिस्किट्स डाले हैं मुझे भी, और जितनी देर में ये बनना है उतनी देर में मैं बंदा वहीं से बोल रही हूँ मेकअप क्या पता नहीं बोला जा रहा है यार ये बंदा। चलो ऊपर इसको वो करना, डेकोरेट पूरा नहीं डालूंगा। ओके तो यार मायरा कि मैं यहाँ से कमेंट करूँ, कैसी हो सना? वो क्रीम दे मायरा, वाओ आई वांट टू। आ जाए ना अभी कराची, बोलती तो चक्कर लगा लें, मज़ा करेंगे। और मुझे तो आपसे वैसे ही मिलने का बहुत है कि कब मैं मिलूँगी आपसे। किससे मिलने का शौक है आपको? मायरा से। ओह क्या हुआ? ओहो ये देखो ये हो गया हमारा मसला, हमने ग्लास को ख़राब कर लिया है। टिश्यू ले दो ना, एक बार टिश्यू देना हमें। आई डोंट नो मायरा ये कौन, हु इज़ दिस हसीब, जब से इतने फजूल फजूल कॉमेंट्स कर रहे हैं ना कसम से। सना लव योर फर्स्ट, थैंक यू। बस जल्दी जल्दी आ जाए आप। आई एम ऑल गुड, आई एम श्योर यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। यस देखें अभी तक ये देखें, ये आप देखें अभी मैंने ये डाला है। अलीजा अपना
रेडी कर रही है ग्लास और मैं अपना रेडी कर रही हूँ। मैं हिबा के मोबाइल से आपके सना और मायरा के कमेंट्स पढ़ी हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आ ही नहीं रहे। वाले घर के छोटे बच्चों को पहले देते हैं जी, बिल्कुल मैं उसको दूंगी। आपको कोई मसला है हसीब जावेद? What are you doing, Aliza? क्या क्या वो कब डालोगी? क्या ये डालना ही तो है इतना सा। देखो हर इंसान को ना अपने मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक चीज़ें पसंद होती हैं। अब जैसे मुझे क्रीम अगर ज़्यादा पसंद थी इस वजह से मैंने क्रीम ज़्यादा डाली। अच्छा जी, आपने क्रीम ज़्यादा डाली है? यस, क्योंकि मैं साइड से ना, और मुझे ना ये जो है ना कॉफ़ी का ये बहुत पसंद था मिक्सचर, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डाला है। तुम्हें कॉफ़ी का लगता है मिक्सचर पसंद नहीं आया है ना? नहीं पसंद आया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा तो देर लगती है। क्या बात हुई अगर आपने ही सारा अपना वो कर लिया। यार मैं मायरा के कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ पा रही? मायरा स्क्रीनशॉट्स रखना, मैं लूंगी जरूर, मैंने पढ़ने तुम्हारे कमेंट्स। सॉरी आपके कमेंट्स वो देना रमशो। ओके ओप्स ओके गो। मतलब अब अक्सर अरशद गई तो आप मायरा के पीछे पड़ गए हो। सही है यार, सही है, सही जा रहे हो आप। ये ना इस तरह के लोग बहुत फारिग होते हैं, वो एक को छोड़ते हैं दूसरे को पकड़ लेते हैं, उन्हें बस बहस करने के लिए ना कोई चाहिए होता है। देखो मेरा तो रेडी हो गया है, मेरा भी रेडी होने वाला है बस। वैसे ना मुझे तुम्हारा जो ग्लास है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है साइड से ना। तुम वैसे डेकोरेशन में ना मैं नो डाउट अच्छी हो। तो ये देखिए अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारी। ये देखिए मुझसे तो ज्यादा ही बेहतर लग रही है। मिक्सचर और ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होता है ये एक लेयर मैंने कैरमलाइज बिस्किट की डाली है और एक कॉफी के मिक्सचर की, फिर एक डाली है इसकी क्रीम के मिक्सचर की, और पर मैंने लीजा ने कोई लेयर नहीं डाली है, लीजा ने बस ये डेकोरेशन के लिए ना मैंने ये कैरमलाइज बिस्किट्स डाले। पता नहीं क्या लिखा है इसके ऊपर ना कमेंट। हाँ मैं सेव करूँगी लाइव मायरा, पर पता नहीं उसमें कमेंट शो होते हैं या नहीं शो होते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। रुको मुझे वो देना, एक गिलास तो मेरा है। यस पता है, वैसे मैं आप लोग बता दूं ये जो क्रीम है ना मतलब आप ये एक पैकेट लेंगे तो इससे आप दो ही गिलास बना सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो आप लोग ने देख लें जितने भी गिलास बनाने उस हिसाब से कर लें। तो मैं आप लोगों ने एक दफ़ा बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है। मैंने ऑलपर्स की डेरी क्रीम यूज़ की है, और आपने ऑलपर्स की सिंपल क्रीम नहीं डेरी क्रीम यूज़ करनी है। और उसके बाद मैंने ऑलपर्स की डेरी क्रीम ली, ये एक पैक लिया, और 2 टेबल स्पून्स मैंने लिए थे उसके कॉमेल के, क्योंकि आगे हमने वो भी सॉरी 3 टेबल स्पून्स लिए थे। और उसके अलावा हमें चाहिए होगा कॉफ़ी, कॉफ़ी मैंने 2 टेबल स्पून ली, उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून वो शुगर डाली, 2 टेबल स्पून मैंने हॉट वाटर डाला, फिर उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया। यहाँ पर मैंने एक चीज़ क्रीम और कॉमेल डाल कंडेंस्ड मिल्क डाल कर किया है, ठीक है, और एक तरफ मैंने ये चीज़ें डालकर बीट की हैं। उसके बाद ये देखें अब मेरा तो ग्लास रेडी है, अब एलिज़ा मैडम का भी रेडी हो जाए, फिर हम देखते हैं। क्योंकि रमशा ने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स
डाले और ज़्यादा मिक्सचर रमजा ने यूज़ किया है इसलिए रमजा का ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मुझे सब बताएं किस किस का मतलब हिबा देना मेरे कमेंट्स पढ़ूँ। अब मुझे बता ये किसका ये साइड से भी देखना मेरा ये शो नहीं हो रहा है दिख नहीं रहा है मैंने कितनी प्यारी डेकोरेशन की है देखो साइड से वैसे ना ये दिख नहीं रहा मुझे तो अलीजा का अच्छा लग रहा है ये सीरियसली ये सामने से बहुत अच्छा लग रहा है जितना वीडियो में नहीं आ रहा है तो मैं इसकी पिक्चर डालूंगी फिर आप लोग सब देखिएगा और मुझे बताएं कि अलीजा का अच्छा है या किसका अच्छा है या मेरा अच्छा है तो लेट्स सी इसको डालेंगे फिर हम उस पर करेंगे तो नो डाउट मुझे ये वाला अच्छा लगा है अलीजा डेकोरेशन में अच्छी है मैं बहुत ही मतलब मैं खाने पका सकती हूँ मैं चीज़ें कर सकती हूँ पर मैं डेकोरेशन में बहुत बुरी हूँ तो देखते हैं अब देखो हम करें देखो मेरा ग्लास कितना अच्छा लग रहा है कितना ड्राई मुझे मायरा और साना के कमेंट्स पढ़ने हैं जो मुझे शो नहीं हो रहे उन्होंने बोला है उनको भी जवाब देके चले सो यमी मुझे भी पार्सल करवा वैसे उससे सना मुसफ़र से तो पूछो उसको किसका ग्लास ज़्यादा अच्छा लगा है इकरा सना मुसफ़र आर यू वॉचिंग हाँ हाँ वो कर रही हैं मायरा सर दोनों के अच्छे हैं इकरा ने कहा रमशा इकरा कौन इकरा तो बोलो तुम्हारी मैं जानू तुम्हारी हूँ और तारीफ रमशा की पता नहीं अक्सर शायद इनमें से जो मुझे दोगे तुम लोग वही अच्छा है यानी कि आपने ऐसे नहीं बताना पहले आप बताइए आपको कौन सा अच्छा लगा है फिर आपको वही मिलेगा हाँ फिर हम आपको वही देंगे अलीजा दोनों के थैंक यू अलीजा और सना बताए सना आपको किसके अच्छे लगे हैं आपने बताया नहीं रमशा सॉरी अलीजा सोच लेना हाँ बताए यार मेरी पता नहीं क्यों डेकोरेशन दिख नहीं रही है लेकिन सीरियसली मेरा जो ग्लास है ना देखो कितना प्यारा ये खराब हो रहे हैं मुझे पहले बताएं किसका लेकिन ये देखो कितना अच्छा मैंने डेकोरेट किया दिख नहीं रहा ये देखो कितनी प्यारी मैंने ग्लास में भी आर्ट की है चेक करो आर्ट के स्टूडेंट है इसलिए मैं ना अपनी पिक्चर लेके सेंड करूंगी देखना मैंने कितने प्यारे से उसका साइड में चेक नहीं कर रहे आप बताएं माँ सहर ताहिर बताएं आपको किसका अच्छा लगा है जल्दी से बताएं जल्दी 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 बताएं देखते हैं किसका अच्छा लगा है नहीं नहीं इट वॉज सो नाइस टू वॉच यू लाइव भाई पहले तो आप मुझे पहले आप जवाब दें कह रहा मैं आपको अच्छा किसका लगा है सना अलीजा का या मेरा सच्ची सच्ची वाला बताएं जल्दी से ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये देखिए ये अलीजा का ये वाला मेरा है रमशा का सॉरी मैं आर्ट अलीजा की आर्ट चेक करें अलीजा का ये देखिए अब आप देख सकते हैं आप लोगों को नज़र तो आ ही रहा होगा ऐसे अनुषा दोनों का थैंक यू अनुषा हाँ सहर ताहिर मेरी बहू अलीजा का अरे आपने इतनी बड़ी बहू बनानी है क्या बहुएं कितनी बदलती हैं पहले डिसाइड तो माय गॉड मेरी सास भी मेरी लाइफ देख रही है मुझे तो पता ही नहीं था आप मुझे मानी शाहजहान के हाल बताएं डन आऊंगी जरूर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया सॉरी एक्सपीरियंस बुरा नहीं गया अच्छा गया है तो मुझे है कि मैं दोबारा आऊँगी और रमशा दोनों का यस अलीजा योर्स इज आल्सो नाइस अच्छा जी चले ठीक है अलीजा यू नीड टू वर्क अ मोर टू बी अपलाइंग टू रमशा नहीं वो तो ठीक है लेकिन ये हसीब जावेद ने बड़ी टाइम बाद अपना एक कमेंट किया है मुझे तो ओलिवर का अच्छा लगा है हाँ ओलिवर ने भी बनाया थैंक यू सो मच आपको उसका अच्छा लगा शाहजहान को अलीजा का अच्छा लगा हाय शाहजहान तो है ही बेवफा क्यों भाई इतनी पप्पियाँ लेके आई थी मैं उसको चले चले अब तो हो गए इतनी लंबी लाइव कर ली है थैंक यू सो मच आप लोग आए अपना टाइम दिया मेरी लाइफ पर मेरा डिज़र्ट देखा
डेलगोना डेजर्ट मैंने बनाया, इसको आप डेलगोना कॉफ़ी डेजर्ट कहें, डेलगोना क्रीमी कॉफ़ी डेजर्ट कहें, जो दिल करे आपका वो कहते हैं, पर डेलगोना।